Hello students and welcome back to bankexamstudy.com My name is Ramandeep Singh, and students today I'm going to share the most common questions as in IBPS RRB scale 2 scale three interviews. So common questions you ask at the time of interviews. That's what I'm going to discuss. My name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 12 years now. And this is my WhatsApp number where you can ask your doubts and I'm going to answer your doubts. Okay. सो स्टूडेंट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आया है मेरा प्रॉपर लिस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन पिछले काफ़ी सालों से हम इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं हमने पूछा सभी से कि क्या पूछा जा रहा है तो देर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव प्रिपेयर प्लीज़ गो थ्रू दम दैट विल बी वेरी हेल्पफुल मोस्ट प्रॉबेबली दे आर गोइंग टू आस्क इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो इफ दे आर आस्किंग इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इंग्लिश में ही इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन देना है

टॉकिंग अबाउट सच हॉबीज़ इन्वेस्टिंग रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स सी स्टूडेंट्स दे में आज क्योंकि कौन सी किताब पढ़ी है और इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ हॉबी एट ऑल इन्वेस्टिंग कर इन्वेस्ट करना पैसे इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में ये एक हॉबी बिल्कुल नहीं है दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट यूर स्कोर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इन्वेस्टिंग में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वर्किंग आवर्स में भी करते हो गए तो ये इफेक्ट कर रहा है एंड रीडिंग बुक्स और ऐसे कुछ एक जो हैं प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम व्हाट यू कैन से इज साइकिलिंग काइंड ऑफ अ हॉबी अच्छी हॉबी है या ड्रॉइंग्स बनाना पेंटिंग करना दैट्स अ गुड हॉबी इसके बारे में आप लिख सकते बोल सकते हो साइकिलिंग और पेंटिंग वेरी नाइस ये बोल सकते हो इन्वेस्टिंग वगैरह मत बोलिए रीडिंग बुक डोंट से अबाउट दैट इफ यू आर नॉट ऑलरेडी रीडिंग एनीथिंग अगर आप कुछ अच्छा नहीं पढ़ रहे हो तो इसके बारे में नहीं लिख सकते आप ठीक है नहीं बोल सकते इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हाउ इंडियन गवर्नमेंट मेक्स मनी इन द बजट विच पर्टिकुलर टैक्स ब्रिंग्स द मोस्ट मनी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है एज ऑफ नाउ जी एस टी से आता है देन कॉरपोरेट टैक्स से आता है देन इनकम टैक्स से आता है राइट सो विच टैक्सेज ब्रिंग्स द मोस्ट मनी टू द इंडियन गवर्नमेंट सो बजट अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर वट आर द वेरियस चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया ज्यादा चैलेंजेस क्या है इंडिया में इस टाइम पे क्या है चैलेंजेस द फार्मर आर नाट गेटिंग गुड वैल्यू फॉर देयर आउटपुट फार्मर जो उगाता है उसको सही दाम नहीं मिल रहा है इंटरमीडिएट्स Inter और जो बिचौलिए हैं दे आर टेकिंग अ द मोस्ट ऑफ द मनी बहुत सारा पैसा बिचौलिए ले रहे हैं वो एक रुपये दो रुपये किलो पे टमाटर बेच रहे हैं हमें पचास रुपये मिल रहा है साठ रुपये मिल रहा है तो बीच का पैसा कौन ले रहा है सो दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस द फार्मर्स आर फेसिंग दे आर नॉट गेटिंग द वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस उनको अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा कोल्ड स्टोरेज इज़ अनदर प्रॉब्लम वी डोंट हैव इनफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ एडिक्वेट एंड क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से बहुत सारा प्रोड्यूस जो है ख़राब हो जाता है So that is another challenge. Uh, cold storage facilities. Karna and secondly, I already told you uh, unable to sell their produce at uh, good uh, levels, uh, good price ek issue. Hai. Although the farmers are getting loans at uh, uh, at a good uh, value, at a good rate, uh, there are a lot of schemes. Kisan credit card, a lot of farmers are using those schemes. Loan is similar, that's not a case. That's not a problem. Financing is not a problem.

in the farming in india how agricultural universities help agriculture sector in india i have done my post graduation from an agricultural university so i know a lot about it so students agricultural universities they do research about uh, fertilizers new seeds the methods of farming they teach the methods of farming to the farmers they teach about uh, the

दे एग्जिबिट प्रोडक्ट दे प्रोडक्ट सो फ बहुत सारी एग्जिबिशंस लगती हैं द फार्मर्स दट टू नो अबाउट न्यू इक्वमेंट्स न्यू मेथड्स तो काफ़ी सारा एक कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है नॉलेज uh, सपोर्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज से मिलता है वो एक तरह का एग्रीकल्चर uh, का हब uh, जो है साबित होता है सो इन इन पंजाब पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़र इन लुधियाना विच हैज़ अट ऑफ सेंटर्स इन पंजाब दैट हेल्प अलॉट

हाउ डू यू डू मार्किटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑफक्ट्स ऑफ योर बैंक आई मीन फॉर एग्जाम्पल इफ द बैंक इज सेलिंग इंश्योरेंस हाउ वुड यू बीज अ ब्रांच मैनेजर और लेट्स एन ऑफिसर ऑफ द बैंक आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे म्यूचुअल फंडस को कैसे प्रमोट करोगे एफ डीज को कैसे प्रमोट करोगे uh, आप बैंक की वेरियस सर्विस को कैसे प्रमोट करोगे यू नीड टू आंसर इट बहुत सारे आंसर हो सकते हैं मे बी यू विल इफ़ यू आर गेटिंग ऑब्वियसली आर आर बी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको रूरल पोस्टिंग मिलेगी सो रूरल पोस्टिंग में है तो यू विल ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द पीपल देयर ठीक है एंड देन यू विल टीच अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जो है जानकारी दोगे एंड देन इवेंचुअली जो uh, लोग हैं देर गोना सब्सक्राइब टू दर्ज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ठीक है इवेंचुअली तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे जो लोग ब्रांच में आ रहे हैं उनको बताओगे सो बेसिकली आर गिविंग दैम नॉलेज अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ताकि वो उसे परचेज करें सब्सक्राइब करें कैन यू नेम सम गुड गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एम एस एम ईज इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर फार्मर्स अन अदर क्वेश्चन राइट फॉर एम एस एम ईज फार्मर्स कारपोरेट फॉर फॉर वुमेन ऑन टपनॉर्स अलग अलग स्कीम्स हैं मैंने डिटेल में इंटरव्यू प्रपरेशन कोर्स में दिया हुआ है एक बार ज़रूर ध्यान दें वट आर द वेरियस टूल्स इन देंड्स ऑफ आर बी आर वट आर द वेरियस फंक्शन आर बी आई और टूल्स तो ठीक है सी आर एस एल आर क्या है अगर सी आर आर बढ़ा दें तो क्या होगा एस एल आर कम कर दें तो क्या होगा एस एल आर बढ़ा दें तो क्या होगा वट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एस एल आर ऑन इन्फ्लेशन यू नीट टू टेल दिस आई हैलरेडी डन दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल सेवन टूल्स इन देंड्स ऑफ आर बी आई इट्स अवेलेबल आर यूट्यूब चैनल बैंक एग्जाम्स टूडे अवेलेबल है जाके देखें एक बार ओके okay? एन पी ए रेट कितना है आप जिस ब्रांच में अभी काम कर रहे हो वहाँ पे एन पी ए रेट कितना है अगर ज्यादा है आठ नौ परसेंट है तो इतना ज़्यादा क्यों है वट आर द वेरियस स्टेप्स दैट यू शुड टेक और द ब्रांच मैनेजर शुड टेक टू कंट्रोल द एन पी ए लेवल्स क्या करना चाहिए और हो क्यों गया इतना ज़्यादा यू नीड टू हैव प्रॉपर आंसर्स फॉर दैट ओके मे बी द डेथ रेट इज हाई एट द प्लेस वे यू आर वर्किंग और मे बी द लोन लोन्स वर गिवन टू द एल्डरली पीपल एंड दे डाइड रीजन मोस्ट पॉपुलर रीजन इन केस ऑफ आर आर बीज बिकॉज ये हुआ है पास्ट में काफ़ी या मुद्रा लोन्स की वजह से मुद्रा लोन का बहुत सारा डिफॉल्ट है किसान क्रेडिट कार्ड में बहुत सारा डिफॉल्ट है बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग की लोन माफ हो जाएगा तो ये कुछ है हैव ने क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर नेवर डू दैट आपने अपना पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पेश करना है वो वो गलत हो जाएगा वो बिल्कुल मत करिए कभी मत करिएव यू एवर है कस्टमर एंड हाउ यूल हैंडल इट बैंक में होता है बहुत आपने दस बीस रुपये किसी कस्टमर के काट लिया बैंक ने काट लिए कोई फीस है Uh, या ए टी चार्जेस है या कोई किसी तरह के चार्जेस हैं और बैंक ने पैसे काट लिए आप उसको कैसे हैंडल करोगे कस्टमर को कैसे करोगे तो यह आपको बताना है मैं उसको समझाऊंगा एंड इफ पॉसिबल आई यू नो कैंसिल कैंसल चार्जेस रिवर्स कर देंगे अगर नहीं पॉसिबल वील विल ट्राई टू एक्सप्लेन द द थिंग टू द कस्टमर इफ़ नॉट पॉसिबल विल दिस इज द फैक्ट विल गिव हिम द चार्जेस शीट जो पूरी चार्जेस लगते हैं उसकी शीट दे देंगे फ्यूचर में ये भी लग सकते हैं आप देख लीजिए बैंक है खुला है बैंक में इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ चार्जेस तो काटेंगे ही वट आर द मेन फंक्शन ऑफ आर बी आई क्या फंक्शन है आर बी आई के देर इज अ प्रॉपर वीडियो ऑन बैंक एग्जाम टूडे एज वेल हाउ आर अ डी डी इज डिफरेंट फ्राम चेक प्लीज गो थ्रू द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वीडियो अवेलेबल इन द कॉस्ट एज वेल एंड वॉट आर सी आर आर एंड एस एल आर सो अगेन ये रिपीट हो गया वेरियस टूल्स इन देंड्स ऑफ आर बी आई अगर सी आर आर बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लिक्विडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओके क्वेश्चन फ्राम योर प्रीवियस जॉब आप पहले क्या करते थे वहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या था सारा दिन में क्या क्या करते थे गोल्ड लोन देते थे या यूर इंटू कासा आप कासा कलेक्ट करते थे या यूवर इंटू ऑपरेशन यूवर इंटू सेल्स जो भी आप काम करते थे क्वेश्चन वुड बी आज फ्राम दैट एंड वट यू वॉन्ट टू मेक करियर इन बैंकिंग आप क्या अपने आप को दस साल बाद भी बैंकिंग में देखते हो और क्यों अगर आप किसी दूसरे सेक्टर से आए हो तो क्यों आप एक आर में काम करना चाहते हो अगर आप एस में काम कर चुके हो तो आर में काम क्यों करना चाहते हो क्या आप आलसी इंसान हो जो जो एस uh, का लोड नहीं संभाल पाया तो ऐसे कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा वाट यू वॉन्ट टू स्विच जॉब तो यहाँ पे नेवर एवर से बैड थिंग अबाउट योर एम्प्लॉयर अगर आप एस में हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि वर्क कल्चर अच्छा नहीं है सैलरी कम सैलरी कम है ये बोल सकते हो लेकिन वर्क कल्चर के बारे में नहीं बोल सकते यू कैन डायरेक्टली से आई एम गेटिंग अ ट्वेंटी थर्टी परसेंट पे रेज हेर मेरे को तीस परसेंट ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे यह एक अच्छा रीज़न हो सकता है सर so, ज़्यादा पैसे सबको अच्छे लगते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है अगर तीस परसेंट ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आपको स्विच करना चाहिए हर किसी को करना चाहिए लेकिन नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को आप उतना ही वैल्यू दे दे पा रहे हों मतलब तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर आपको जितनी सैलरी दे रहा है हो सकता है आप उतना ही डिजर्व कर रहे हैं आ, आप उसको छोड़ रहे हैं बिकॉज आपको बेटर सैलरी मिल रही है दैट इज़ योर राइट आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है योर राइट दैट्स योर राइट आप डायरेक्टली बोलिए ये मैं सर मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो तो वाई नॉट तुम तो मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं आर को है ज्वाइन करना चाहता हूँ कैन यू रिली क्वेट एनी इन इंडिया ऑलवेज से येस अगर आपका जो प्रेफरेंस वाली आर आर बी में नहीं सिलेक्शन होता है आपका कहीं पर भी होता है तो यू आर गोइंग टू ज्वाइन ऑलवेज से दैट करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखेंगे लेकिन अभी के टाइम पर आपको ये बोलना पड़ेगा ठीक है एंड वी हैव अ प्रॉपर प्रोसेस प्लीज गिव इट अ लुक Uh, we have an IBPS RRB Scale 2 Scale 3 interview preparation process. Once you join the course for the interview preparation, we start with the mock interview. You need to book a slot. You have to WhatsApp 9067201000. This is my WhatsApp number. So, you have to WhatsApp. We are going to do a, a first mock uh, interview session. We will do the SWOT analysis. Then, we will provide the study material based upon your profile. We will be also sending you daily updates. We will help you with the documentation. एंड देन दैट बी हैविंग द परफेक्ट डॉक्यूमेंट सो दैट की आपका जो है जो कैंडिडेट जो है कैंसिल ना हो जाए पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों आपके एंड देन द फाइनल मॉक इंटरव्यू जस्ट टू डेज बिफोर द मॉक इंटरव्यू और द वन डे बिफोर द मॉक इंटरव्यू बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू अनदर मॉक इंटरव्यून सो दो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज करते हैं हम इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस में पूरे सो वी आर कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट बैंकिंग टॉपिक्स सेपरेटली प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो भी प्रोवाइड करते हैं कॉमनली क्वेश्चन आज आज भी बताए हैं देर आर रिकॉर्डेड वीडियोज़ फॉर ऑल द द टॉपिक्स एवरी थिंग इन इज़ इन इंग्लिश जो भी कॉन्टेंट है वो इंग्लिश में ही है लिखा तो इंग्लिश में ही है वे आई यूजिंग डिजिटल बॉज एंड लिस्ट ऑफ हर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रिसेंटली पी एन बी एस ओ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का रिजल्ट आया है ऑल दी स्टूडेंट्स दे दाइनली गॉड सेलेक्शन आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर and then Bank of Maharashtra Journalist Officer. These are 2023 batch students. All students And I am really really happy for them. All these students, they got, they got finally selected. And these are the students from 2022. All these students, they got finally selected in the 2022. Uh, 2022 Bank of Maharashtra Journalist Officer. RRB scale to uh, scale to scale 3 2022 all these students they got our course and they got finally selected I'm really really happy for them uh, you can be one of them actually and join the mock interview sessions I mean those will be very useful for you I can assure you I'll be doing the mock interview sessions myself so that's I guess all for today's students I hope you like the today's session if there is any doubt in your mind whatsapp me call me and I'm going to answer all your doubts. And that's all for today. Thank you, and have a very nice day. Uh, subscribe to the channel and like this video. That's really, really important for me. Thank you, and have a very nice day. Bye bye.